हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? आए हो तो आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो यार, जो एनटीए वालों का कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पगला अगला चुके हैं। बार बार आंसर की हटा देते हैं, फिर डाल देते हैं, हटा देते हैं, डाल देते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं समझ सकता हूँ, कल जो एनटीए ने अपनी आंसर की रिमूव करी थी, 16 तारीख का जो पेपर था उसमें जो आंसर की आई थी उसमें करेक्शन था, गलत थे क्वेश्चंस, इस वजह से हटाई गई थी। अभी 20 मिनट को फिर आंसर की हटा दी, इतने सारे मैसेजेस गिर गए मेरे पास। अब फिर दोबारा से अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो। ये हाई कोर्ट जुडिशरी है इटालाबाद, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। और मुझे नहीं लगता इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि हल्की हल्की टाइपिंग हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कट ऑफ, इस बार कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, चांसेस कम वाले लोगों के इस बार बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ही कम लोगों ने दिया है। मेरे जैसे लोगों ने भी एग्ज़ाम छोड़ दिया ट्रेंड ना होने की वजह से, एक साथ दोनों एग्ज़ाम। और इस पिछली बार क्या था कि हर एग्ज़ाम आपका अपनी सिटी में होता था, जब से ऑनलाइन किया तो बाहर भेजने लगे कट मतलब एग्ज़ाम। तो ये आप देख सकते हो, रिस्पॉन्सेज आंसर की लिंक बिलो माई क्लिक, ये देखिए। जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे खोलना है। जैसे ये खोलेंगे आप, तो थ्रो एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड, या थ्रो एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन करिए। और सॉरी गाइस, तो मिला लीजिए। मैंने अपनी आंसर की मिला ली है यार, आंसर की मिलाने में मुझे 35 मिनट्स लगे यार, 8 घंटे। और मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं और आपको भी लग रहे होंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन का 500 रुपये कौन देगा, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। एनटीए पता नहीं क्या करना चाहता है। पहले आपने जब फॉर्म भरवाया तब भी इतना ज़्यादा पैसा, एक एक बच्चे से 850-800 रुपये लिया यार आपने। उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, ये एक करेक्शन के लिए 500 रुपये, किस हद तक जायज़ है? इसके खिलाफ़ यार आप सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, एनटीए को आरटीआई फाइल करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और या तो फिर ऐसा है तो आप सही क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कह रहे हो, ऑब्जेक्शन के हम कहाँ से दें इतने पैसे? ये चीज़ बहुत ही गलत है। और कट ऑफ इस बार ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं 160, 170, 190, उनके कट ऑफ को इग्नोर मारो यार, वो फर्जी लोग होते हैं भाई, ऐसे पहले जाते हैं हमें 190 है, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। टाइपिंग इस बार बहुत कम लोगों ने करी, और एंड मतलब जो नोटिस आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ ई आर ओ का, उस नोटिस में स्पष्टता ये चीज़ लिखी थी कि अगर आप 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कर देते हैं तभी आप पास होंगे, यानी 25 मिनट में 500 वर्ड तभी आप पास होंगे और नहीं। अभी आंसर की तो सबकी चेक कराई जा रही है, क्योंकि पैसा सबसे चाहिए, सबकी जेब से पैसा खींच लिया जाए, कुछ ना कुछ तो उसमें से भी उल्लू लगा देंगे, भले ही उनकी टाइपिंग हो ना हो लगा देंगे। और जब फाइनली रिजल्ट आ रहा होगा, जिनकी टाइपिंग नहीं की होगी कंप्लीट, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस है, गवर्नमेंट हर तरीके से आपसे पैसा लेना चाहती है और उसका काम है तो वो लेगी, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो ये चीज़ है, और आप अपने नंबर मिला लीजिए और कट ऑफ की ज़्यादा चिंता मत करिए, इतना हाई नहीं जाने वाला है। और कुछ लोग जो बहुत ही बवंडर काटे हुए हैं उन्हें छोड़िए, अपने ऊपर फोकस करिए और आगे बढ़िए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर लो यार, लाल बटन पर जाओ और सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट